लवलीज वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में, उनका रिव्यू मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। सो दैट अगर आप लोग भी किसी ऐसे प्रोडक्ट की नीड में हैं, सर्च में हैं और अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो डिसीजन है बहुत ही ईजिली और परफेक्टली ले सके। तो आज मैं बात करूँगी आप सबके साथ हिमालया ब्रांड के बारे में। हिमालया ब्रांड की आप लोगों को पता होगी क्योंकि ये न्यू लॉन्च तो है नहीं, बहुत से लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, बहुत से लोग परचेज भी कर रहे होंगे, बहुत से लोग परचेज कर चुके होंगे, बहुत से लोगों का अपना अपना रिव्यू होगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ अपना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, मेरा पर्टिकुलर क्या मानना है, क्या कहना और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, इस पर्टिकुलर ब्रांड की क्रीम्स के साथ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिमालया ब्रांड की कुछ क्रीम्स। उनको ऑब्वियसली कैटेगराइज किया गया है डे क्रीम्स एंड नाइट क्रीम्स। दो ऐसी क्रीम्स हैं जो कि आप डे टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, दो ऐसी क्रीम्स हैं जो आप नाइट टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, एंड बाकी तो बातें सारी आप पर डिपेंड करती हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट क्रीम। तो ये है जो हमारी फर्स्ट क्रीम है, दिस इज ये है हिमालया ब्रांड की फर्स्ट क्रीम जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दिस इज हिमालया हर्बल्स क्लियर कम्प्लेक्शन वाइटनिंग डे क्रीम। सो दिस इज अ डे क्रीम जो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करने जा रही हूँ। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये है डे क्रीम। तो इट हैज़ यूवी प्रोटेक्शन ऑल्सो, और साथ में ये काम करती है आपके स्किन टोन को लाइटन अप करने में, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है लिक्विडस एंड वाइट डैमर। ये जो दोनों इन्ग्रीडियंट्स है इसके, लिक्विडस एंड वाइट डैमर। लिक्विडस तो शायद सभी जानते होंगे, अगर आप अपनी ब्राइटनेस, स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपना स्किन टोन थोड़ा सा फेयर टोन में चेंज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हैव टू यूज लिक्विडस या फिर लिक्विडस बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो इसमें प्रेजेंट है लिक्विडस, और जो वाइट डैमर है वो काम करता है आपके पिगमेंटेशन पे, और जो भी डार्क स्पॉट्स आपके स्किन पर रहते हैं उसके ऊपर काम करता है। तो ऑल इन ऑल इसमें दोनों जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन की लाइटनिंग पर काम करेंगे, आपके स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको फेड अवे करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जो भी आपके दाग धब्बे हैं कुछ भी उनके ऊपर काम करेंगे, और यूवी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही अच्छी डे क्रीम साबित होती है। इन्होंने यहाँ पर जो मेंशन किए हुए हैं थ्री थिंग्स वो यही है, इट हाइड्रेट्स, इट लाइटन्स अप द स्किन, इट गिव्स अ क्लियर कम्प्लेक्शन। इसी तरह से ये दोनों जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं काम करते हैं। बात करें इस पर्टिकुलर पैक के प्राइस की, तो इस पर्टिकुलर क्रीम का प्राइस है ₹250। फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरह की क्रीम है ये। तो ये है हमारी हिमालया की डे क्रीम, सबसे पहले जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी एट प्रेजेंट। ये है क्लियर कम्प्लेक्शन वाइटनिंग डे क्रीम विद यूवी प्रोटेक्शन, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है लिक्विडस एंड वाइट डैमर। आप जैसे कि देख सकते हैं ये क्रीम एट प्रेजेंट मैं यूज़ कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट 15 डेज हो चुके होंगे इस क्रीम को यूज़ करते हुए। जी हाँ, ऐसा है कि मैं पहला जो गलतफहमी मुझे भी काफ़ी देर से थी, क्योंकि ये एक ऐसी क्रीम थी जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करना चाहती थी, बट आप कह सकते हैं कुछ ऐसा चलता रहा कि कुछ और क्रीम्स एंड आई नेवर गॉट माई हैंड ऑन दिस क्रीम। और जब मैंने इस पूरी कंप्लीट रेंज को परचेज किया, फाइनली आई वॉज हैविंग दिस पर्टिकुलर क्रीम। पहली जो गलतफहमी इस क्रीम को देख कर आती है, आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है, इट गिव्स कलर ऑफ अ फाउंडेशन, मतलब ऐसा स्किन टाइप सा जैसे फाउंडेशन का जनरली कलर होता है। तो शायद मेरी तरह कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि इट गिव्स अ टेंट टू योर स्किन, या फिर कुछ ब्राइटन अप, या फिर कोई भी चेंज। एज पर माई रिव्यू, अगर ऑनेस्टी से मुझे कुछ बताना है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बीबी क्रीम जितना भी डिफरेंस नहीं दिखाती है स्किन पर, मेरे लिए एक नॉर्मल क्रीम है, किसी भी क्रीम की तरह उसी तरह काम करती है। मतलब मेरा मतलब है इन केस ऑफ टेंट एंड कलर, कि आपकी स्किन को कोई भी बीबी या सीसी क्रीम वाला काम नहीं करती है आपकी स्किन के ऊपर। इट जस्ट डज इट्स वर्क, जो कि है यूवी प्रोटेक्शन देना, और आपको जो यूवी की हार्मफुल रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे प्रोटेक्ट करना, साथ में मॉइस्चराइज करना, साथ में आपके दाग धब्बों पर काम करना, ये है इस क्रीम का काम। और ये वही काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, तो वैसे तो इसकी बहुत 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 लाइट फ्रेग्रेंस है। जी हाँ, एज़ कम्पेयर टू अदर क्रीम, जो नाइट क्रीम्स हैं उनकी इससे थोड़ी सी कह सकते हैं कि अच्छी फ्रेग्रेंस, काफ़ी ईजिली स्मेल आप कर सकते हैं। वेयर एज इसकी फ्रेग्रेंस जो है उनके मुकाबले, नाइट क्रीम्स के मुकाबले थोड़ी सी मैं कह सकती हूँ कि और भी ज़्यादा लाइट है। वैसे जितनी भी क्रीम्स हैं उन सबकी फ्रेग्रेंस लाइट ही आप कह सकते हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग या फिर कुछ ऐसा नहीं, ओवर पावरिंग नहीं है। सारी क्रीम्स की जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है।
तो प्राइस मैं इसका आपको बता चुकी हूँ, 250 में आपको मिलता है इतना बड़ा टब, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है। आपकी अगर घर में दो तीन भी फीमेल मेंबर्स हैं तो इजीली इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, इवन मेल्स और बॉयज आल्सो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बॉयज़ यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ अ गुड मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम। तो अगर आप कोई अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली कोई डे क्रीम ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस क्रीम को ट्राई दीजिएगा। बट जी हाँ, अगर आप कुछ ये सोच कर ले रहे हैं कि बीबी क्रीम को रिप्लेस कर सकती है क्रीम, तो बिल्कुल भी नहीं। फॉर दैट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको यू हैव टू गो फॉर सम अदर प्रोडक्ट। दिस इज अ गुड डे क्रीम, जी हाँ बिल्कुल प्योर डे क्रीम है। और बात करते हैं इसकी क्वान्टिटी की, तो ये जो पर्टिकुलर टब है, पहली बात तो ये ग्लास जार है, सो यू हैव टू हैंडल इट विद केयर। और जो आपको इसमें क्वांटिटी मिलती है वो आती है 50 grams। 50 grams बहुत 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 ही ज़्यादा क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी मॉइस्चराइजर है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ गुड डे क्रीम टू बी कंसिडर्ड। तो ये था हमारा फर्स्ट हिमालय ब्रांड की डे क्रीम, जिसे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्रीम की, तो ये है हिमालय की ऑयल फ्री रेडियंस जेल क्रीम। तो जो भी लोग क्रीमी टेक्सचर वाली क्रीम्स पसंद नहीं करते, उनको स्टिकीनेस फील होती है या फिर कुछ भी ऐसा, जबकि ये जो क्रीम है इट इज़ नॉट दैट स्टिकी। ये बिल्कुल भी स्टिकी या ग्रीसी नहीं है। कॉम्बिनेशन वाले भी इसको बड़े आराम से, मैं तो कहूँगी ऑयली वाले भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं विंटर्स, जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों में तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही परफेक्टली जाने वाली है। बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच क्रीम्स, कि आपको क्रीमी टेक्सचर नहीं पसंद, तो आप लोग इस पर्टिकुलर ऑयल फ्री रेडियंस ये जो क्रीम है जेल क्रीम, इसके लिए जा सकते हैं। दिस इज़ फॉर जेंटली हाइड्रेटिंग एंड गिव्स अ ऑयल फ्री ग्लो। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है बारबरी फिक एंड विंटर मेलन। तो जो विंटर मेलन है वो डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, और जो सनबर्न से आपको इरिटेशन या आपके स्किन पर कुछ ऐसी इरिटेशन होती है उस पर काम करता है। और बारबरी फिक की बात करें तो दैट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो आपके स्किन को न्यूट्रिशन, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन ये देने का काम है बारबरी फिक का। तो इसके जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, क्विकली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को, मॉइस्चर करते हैं आपकी स्किन के बैलेंस को, और स्किन पे रेडियंस प्रोवाइड करते हैं, बट नॉट दैट शाइनी ग्लो, इट गिव्स अ नॉन शाइनी ग्लो। तो दोनों जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो बारबरी फिक है इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स और आपके स्किन पे न्यूट्रिशन, मॉइस्चराइजेशन एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो विंटर मेलन है वो स्किन को हेल्दी करते हुए, अपने हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करते हुए रिजुविनेट करता है आपकी स्किन के सेल्स को। तो ये था हमारा सेकेंड पैक, जो कि है ऑयल फ्री रेडियंस के लिए। इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं ये भी ग्लास बॉटल ही है, पीकॉक कलर का इसका अपर कैप है। एंड कमिंग टू इट्स टेक्सचर, तो आप ये देख लीजिए इसका टेक्सचर प्रॉपर जेल टाइप है। एज आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन, मैंने जस्ट इसको ट्राई आउट करने के लिए कुछ दो तीन बार यूज़ किया है, आई हैव नॉट यूज्ड इट मच। तो जैसे कि जेल क्रीम्स होती हैं प्रॉपर जेल टेक्सचर, वैसा ही इसका टेक्सचर आपको दिख ही रहा होगा। और फ्रेग्रेंस की फिर से बात करें तो इट्स टोटली लाइट, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा रहता है। जिन्हें फ्रेग्रेंस वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं आती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और क्विकली एब्जॉर्ब, जैसे कि इन्होंने कहा है वैसे ही एकदम से एब्जॉर्ब हो जाती है। और जो आपको बिल्कुल ऑयली ग्लो या फिर ऑयली शाइन पसंद नहीं आती है ऑयली स्किन वालों को, उनके लिए परफेक्ट एक स्मूथ स्किन को टेक्सचर देने वाला है। इमीडिएटली आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, यूवी प्रोटेक्शन भी देता है, आपके सेल्स को रिजुविनेट करता है, और आपको स्टिकी फील भी नहीं देता। तो अगर आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन और ऑयली कॉम्बिनेशन ऑयली टाइप की है, तो आप लोग डेफिनेटली इस के लिए जा सकते हैं रेडियंस क्रीम के लिए, जो कि है ऑयल फ्री रेडियंस जेल क्रीम। ये है ऑयल फ्री रेडियंस जेल क्रीम एंड दिस इज हिमालय डे क्रीम क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाइटनिंग डे क्रीम। ये है क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाइटनिंग डे क्रीम, जिसका आपने कलर देखा है यहाँ पे फाउंडेशन टाइप कलर है स्किन कलर सा। और यहाँ पे ये है जेल फ्री क्रीम, जो कि बिल्कुल यहाँ से भी ट्रांसपेरेंट टाइप की दिख रही है। दोनों की ग्लास पैकेजिंग है, दोनों का कैप सेम है। तो ये दो क्रीम्स हैं जो कि आप लोग डे टाइम पर यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर हिमालय ब्रांड। दोनों ही क्रीम्स बहुत 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 अच्छी हैं, बट इफ़ यू बिलोंग टू ड्राई स्किन टाइप और कॉम्बिनेशन, तो आप इस क्रीम को ट्राई कर सकते हैं।
और आप अगर एक प्रॉपर ऑयली स्किन पर्सन है यू कुड डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्रीम. मोर ओवर जैसे कि आगे समर्स हैं मॉनसून हैं उन सब वेदर के लिए भी ये वाली क्रीम बहुत ही ज़्यादा ऑसम रहने वाली है. यही एक रीज़न है कि मैंने इस क्रीम को थोड़ा पीछे बचा के रखा है सो दैट आई कुड यूज़ दिस पर्टिकुलर क्रीम ड्यूरिंग समर एंड मॉनसून वेदर. तो जैसे कि अभी विंटर्स हैं आई एम गोइंग विद दिस पर्टिकुलर क्रीम. ये थी हिमालय ब्रांड की दो डे क्रीम्स. अब आते हैं हम नाइट क्रीम्स पर. तो नाइट क्रीम में पहले है रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम जो कि इस तरह से है. इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है वाइट लिली एंड टमाटो. तो वाइट लिली जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, न्यूट्रलाइज करती है फ्री रेडिकल्स को आपके स्किन पे और रिपेयर करती है डेली डैमेज, मतलब जो भी आपके दिन भर में डैमेज हुआ है क्योंकि दिस इज नाइट क्रीम यू हैव टू अप्लाई इट एट नाइट. आपके स्किन को रिपेयर करती है, आपके स्किन को प्रॉपर केयर देती है. सेकेंड इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है टमाटो. सभी जानते हैं जो टमाटो है वो रिच होता है इन फ्लेवोनॉइड्स स्किन रिन्यूअल में, स्किन को वाइटनिंग में, स्किन ब्राइटनिंग में, एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है, विटामिन सी से लोडेड है. तो ये बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है आपकी स्किन को एट नाइट. तो दिस इज अ ग्रेट क्रीम इफ यू आर सर्चिंग फॉर एनी नाइट क्रीम विच इज क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो और आपकी स्किन को अच्छे रिजल्ट भी दे. बात करें इस पर्टिकुलर क्रीम के प्राइस की तो इसका प्राइस है ₹260. जी हाँ, इस पैक का प्राइस है ₹260 जो कि है रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम. बात करते हैं हम इसकी, इसका भी कैप सेम है, लोअर बॉटल ग्लास की है, क्वांटिटी 50 ग्राम्स है. इन सभी की क्वांटिटी 50 ग्राम्स है जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एट प्रेजेंट साइज. इन सब की क्वांटिटी 50 ग्राम्स है. इस तरह से ये क्रीम आपको मिलती है. इट्स टोटली वाइट इन टेक्सचर और जैसे कि एक नाइट क्रीम को होना चाहिए टोटली लाइट वेट एंड यू कुड ईजिली यूज इट एट नाइट. एकदम से एब्जॉर्ब हो जाती है, नॉन स्टिकी फीलिंग देती है. ऐसा नहीं कि आपको सारी रात चिपचिपा सा फील होता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं. सो इट इज़ अ गुड नाइट क्रीम. मोर ओवर इसकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज टू लविंग एंड सूथिंग जो आप यूज़ किए बिना शायद ही जान पाएंगे कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो सच में कितनी अच्छी है. इट्स ग्रेट ग्रेट. जैसे आई थिंक हाई एंड ब्रांड्स की जो क्रीम आती है उससे भी कई ज़्यादा बेहतरीन इस पर्टिकुलर क्रीम की फ्रेग्रेंस है. अब आते हैं हम अपनी लास्ट क्रीम पर जो कि है ये. दिस इज़ एंटी रिंकल क्रीम. दिस इज़ एंटी रिंकल क्रीम फ्रॉम हिमालय हर्बल्स. इसका काम है रिड्यूसेस रिंकल्स, फाइनलाइज एंड एज स्पॉट्स. तो इट इज़ एंटी एजिंग क्रीम. वैसे तो आप इसको डे टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं बट आई प्रेफर टू यूज़ दिस पर्टिकुलर क्रीम एट नाइट. तो मैंने इन चारों क्रीम्स को इस तरह से कैटेगराइज किया. दो क्रीम्स आई हैव kept them for daytime and the other two I have kept for night time. तो अब इस particular cream की बात करें तो इसके main ingredients है aloe vera and grapes. aloe vera के शायद ही जो benefits है शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगा जो कि इसके main आते हैं. aloe vera जो कि काम करता है आपके skin को repair करने का, आपके skin को nourish करने का, आपके skin को hydrate करने का, आपके स्किन पे सारे ही गुड बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का. ग्रेप्स का काम है दैट इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स तो आपके स्किन पर जो फाइन लाइंस आती हैं और जो एज स्पॉट्स होते हैं उनको रिड्यूस करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है. मोर ओवर इट इज रिच इन AHA जो कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स और वो ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स है इनका काम होता है हमारे स्किन पर रिंकल्स को रिड्यूस करना बहुत ही अच्छी तरह से. यानी कि अगर आप कोई भी एंटी रिंकल क्रीम देते हैं तो आपको उसमें AHA प्रेजेंट होना ही होना चाहिए. अगर नहीं है तो गो एंड सर्च अनदर गुड एंटी रिंकल क्रीम. तो ये दिस इज एंटी रिंकल क्रीम जिसको आपको रात में यूज़ करना, वैसे तो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं टोटली अप टू यू, बट जनरली रिपेयरिंग का काम अपने स्किन को जो आप रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी फ्लॉ से तो इट्स ऑलवेज गुड टू यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग एट नाइट. तो वैसे ये एंटी रिंकल क्रीम है विद एलोवेरा एंड ग्रेप्स जो कि आपके रिंकल्स पे काम करता है, आपके फ्लॉज पे काम करता है, आपके स्किन को रिपेयर करता है, हर तरह से काम करता है आपकी स्किन पे. इट इज़ ऑल्सो वाइटिंग टेक्सचर. आप देख सकते होंगे ईजिली कि मैंने ये कितनी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ मैं. इट इज़ हाफ टब. जी हाँ, हाफ टब हो चुका है. इसकी भी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स और बात करें हम इसके प्राइस की, एंटी रिंकल क्रीम के प्राइस की, तो इसका प्राइस है ₹250. इन सभी क्रीम्स का प्राइस अलग, किसी का 250 है, किसी का 260 है एंड ऑल सच रेंज. लेकिन आती सारी ही जो क्रीम्स है अंडर 300 है. मोर ओवर अगर तो आप इनको ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं. हिमालय इज़ अ ब्रांड जिस पे 30% तक भी ऑफ चला जाता है इफ़ यू आर परचेजिंग देम ऑनलाइन.
तो इट्स टोटली अप टू यू. दो तो इनकी ऐसी क्रीम्स है जो आपको डे और नाइट में ही यूज़ करना है, बाकी की जो दो है इट्स टोटली अप टू यू. अगर तो आप दोनों टाइम पे यूज़ करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं, तो इन क्रीम्स को यूज़ कीजिए क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू स्पेंड 1800, यू हैव टू स्पेंड 3000 ऑन सच प्राइजेस टू गेट अ गुड क्रीम. आप डे क्रीम्स, नाइट क्रीम्स और जेल क्रीम्स, ऑयली स्किन के लिए क्रीम्स, ड्राई स्किन के लिए क्रीम्स, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, सारी स्किन टाइप्स के लिए आपको क्रीम्स मिल जाएगी इस पर्टिकुलर रेंज में, दैट टू इन अ पॉकेट फ्रेंडली प्राइस. तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ हिमालय ब्रांड की ये सारी क्रीम शेयर की, हाउ यू कुड यूज देम अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू वेदर, टोटली अप टू यू. बाकी तो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं. जो डे क्रीम्स हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस है लाइट है, एंड द नाइट क्रीम्स दे हैव अ मच स्ट्रॉन्गर स्मेल देन द डे क्रीम्स, और फैबुलस दे आर टोटली फैबुलस फ्रेग्रेंस वाइज, जो कि आपको हर ब्रांड में भी शायद नहीं मिलेगी. तो डेफिनेटली इनको लीजिए, परचेज कीजिए, बहुत ही अच्छी क्रीम्स है. डे क्रीम भी बहुत अच्छी है, नाइट क्रीम्स भी बहुत अच्छी है, दे ऑल आर ग्रेट आर रिजल्ट गिविंग. तो ये था हमारा आज का वीडियो. अपने स्किन टाइप, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी क्रीम को सेलेक्ट कीजिए, परचेज कर लीजिए, या फिर डे एंड नाइट रूटीन के लिए अपने लिए एक एक क्रीम परचेज कर लीजिए एज यू लाइक टू. और अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा. अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहता है आपके स्किन टाइप को लेकर, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन एनी ऑफ द वीडियो. आई विल डेफिनेटली जितनी जल्दी हो सकता है आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई द क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय.